Hello everyone and welcome to 10th episode of Filti Live, bringing you more productivity and safety on construction job site. I am Akash, your digital account manager, connecting with you all live via Facebook. जो आपने अभी देखा ये एक रियलिटी है इंडिया की कंस्ट्रक्शन जॉब साइट्स की, जहां पर भी कॉन्क्रीट ग्राइंडिंग होती है. यू कैन सी पूरा का पूरा स्पेस डस्ट से घिर जाता है. और जब आप कॉन्क्रीट ग्राइंडिंग कंस्ट्रक्शन जॉब साइट में कन्फाइंड स्पेसेस में बिल्डिंग के अंदर करते हैं तो हर जगह बस डस्ट ही डस्ट होती है. और आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि ये डस्ट आपके लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है. और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है. ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें निकल के आया है कि लॉन्ग टाइम में अगर जो आप इसके डस्ट के एक्सपोजर में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है. एंड नाउ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट डू यू ऑल्सो फेस सिमिलर काइंड ऑफ डस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब साइट. आप हमें बताइए कि किस सिचुएशन में आप ऐसी डस्ट फेस करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉब साइट पे. बिकॉज दिस इज वॉट यू विल बी डिस्कसिंग इन टूडेज एपिसोड, दैट फर्स्ट हाउ डेंजरस इज दिस डस्ट फॉर योर हेल्थ एंड सेकेंडली वॉट इज द सॉल्यूशन टू अवॉइड दिस चैलेंज. एंड टू प्रेजेंट हिल्टीज इनोवेशन टूडे विद अस इज एन एक्सपर्ट, माई कलीग हर्षवर्धन, प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ डायमंड टूल्स एट हिल्टी. हाय हर्ष, हाउ यू एंड वेलकम टू हिल्टी लाइव. हाय आकाश, आई एम फाइन एंड हेलो टू आवर व्यूअर्स. एंड आकाश, लेट मी फर्स्ट थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस एपिसोड वेर इन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डस्ट. एंड लेट मी टेल यू आकाश, दिस इज द नीड ऑफ द आवर. एब्सोल्युटली हर्ष, इट इज वेरी मच नीड ऑफ द आवर. And thanks for joining us today in the live. And thanks to all of you, those who are watching us live or maybe post live. And just to share my experience with grinding, मैं जिस भी जॉब साइट पे अभी तक इंडिया में गया हूँ वहां पर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जो पर्सन दिन भर कॉन्क्रीट ग्राइंडिंग करता है, डे इन डे आउट इस डस्टी सिचुएशन को फेस करता है, उसको इस बात का बिल्कुल पता ही नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसके से. एंड दिस इज वॉट यू वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू हर्ष, कि हाउ डेंजरस इज दिस डस्ट एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ. बिल्कुल आकाश, सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा भी है. जब भी मैं किसी जॉब साइट पे जाता हूँ, मैं जाता रहता हूँ और बहुत से ऑपरेटर से मिलता हूँ, बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ. और मैंने देखा है कि वो इस टॉपिक को, डस्ट के टॉपिक को, बहुत लाइटली और लीनियंटली लेते हैं. उन्हें लगता है कि डस्ट से क्या ही फर्क पड़ता है, ये हर जगह होती है डस्ट. सो लेट मी टेल यू गाइस, डस्ट से बहुत फर्क पड़ता है और इससे लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. सो आपको ये जान के हैरानी भी होगी कि नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर ने सिलिका डस्ट को, जो कि हमारे कंक्रीट और मोर्टार में पाई जाती है, इसे कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर किया है. दैट मीन्स इससे कैंसर भी हो सकता है. सो जब हम सांस लेते हैं तो साफ हवा के साथ डस्ट भी हमारे लंग्स के अंदर जाती है. एंड देन शॉर्ट टर्म में हमें इसके इल इफेक्ट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, बट लेट मी टेल यू लॉन्ग टर्म में इससे बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकते हैं और आगे चल के ये वर्स्ट केस में कैंसर का फॉर्म भी ले लेते हैं. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स हियर, स्पेशली दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन एनी एप्लीकेशन जहां डस्ट इन्वॉल्व्ड है, टू टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट योर हेल्थ एंड यू हैव टू टेक दिस टॉपिक ऑन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. एब्सोल्युटली हर्ष, एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग, health is wealth. Exactly. And I know all of you will agree to Harsh that this is your responsibility, this is your priority to take care of your health, and not only your health but people around you as well. Aapki organization mein, aapki job site mein bahut sare log honge jo din bhar concrete grinding karte hain, is dusty situation ko day in day out face karte hain. So this is your responsibility to make them aware ki isse aage chalke kya problems aa sakti hai. And in a short while we will tell you what is the solution to this problem. श्योर आकाश, बट आकाश बिफोर जंपिंग ऑन टू एनी सॉल्यूशन, आपने थोड़ी देर पहले अभी कॉन्क्रीट ग्राइंडिंग की, सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा फील हुआ? श्योर हर्ष, एंड जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, जब मैं कॉन्क्रीट ग्राइंडिंग कर रहा था तो वहां पर इतनी ज्यादा डस्ट हो गई थी कि मेरे को विसिनिटी में दिखाई नहीं दे रहा था, और जबकि सिर्फ मैंने अभी एक मिनट कॉन्क्रीट ग्राइंडिंग करी है. और दूसरा क्या है, वहां पर इतना डस्ट हो गई थी, दो आई वॉज वियरिंग अ मास्क, बट स्टिल मेरे को सफोकेशन होने लगी थी. And I do not think मैं उसको 5-10 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू कर पाता. And I think those who are watching us will be very easily relating to this
कि जब जॉब साइट पे कंक्रीट ग्राइंडिंग होती है तो जो पर्सन कंक्रीट ग्राइंडिंग करता है उसको हर 5-10 मिनट में बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द डस्ट. एंड बिकॉज ऑफ दिस, इफ दैट गाय इज वर्किंग इन अ शिफ्ट ऑफ 8 to 9 आवर्स, तो वो 8 से 9 घंटे में इफेक्टिवली लेस देन 4 घंटे ग्राइंडिंग कर पाते हैं, बिकॉज उसको बार बार ब्रेक्स लेने पड़ते हैं जिससे डस्ट सेटल डाउन हो जाए और वो फिर से ग्राइंडिंग कंटिन्यू कर सके. आई थिंक एक्सीलेंट पॉइंट मेड आकाश, एंड आई वुड लाइक टू बिल्ड अपॉन आकाश पॉइंट कि जो ऑपरेटर जो ग्राइंडिंग कर रहा होता है, सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास की विसिनिटी में कोई और ऑपरेटर भी अगर काम कर रहा होता है, उसे भी डस्ट से प्रॉब्लम होती है, उसे भी ब्रेक लेने पड़ते हैं, और इससे हमारे जॉब साइट की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है. यस, एंड टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, आई वुड लाइक टू एड वन मोर पॉइंट. गाइस, यू विल बी यूजिंग सम एंगल ग्राइंडर एट योर जॉब साइट फॉर कॉन्क्रीट ग्राइंडिंग, राइट? और होता क्या है, आपने देखा होगा आपके टूल में बार बार रिपेयर्स आते रहते हैं. एंड द रीजन बीइंग इज, ये डस्ट सिर्फ आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द टूल एज वेल. ये सारी की सारी डस्ट कॉन्क्रीट ग्राइंडिंग के टाइम पे टूल के अंदर जाती है, जहां पर मोटर के आर्मेचर पे जाके स्टिक हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लॉट ऑफ रिपेयर्स दैट कम्स इन द टूल, और टूल की लाइफ भी कम हो जाती है. आकाश, बिल्कुल सही पॉइंट फिर से आपने बोला. सो हमें पता भी नहीं चलता है, और यही रिपीट रिपेयर कॉस्ट जो है, जो हमारे प्रोजेक्ट के ओवरऑल कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं. एब्सोल्युटली. एंड हर्ष, नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 3 चैलेंजेस दैट कम्स ऑन कंक्रीट ग्राइंडिंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब साइट. दैट इज, फर्स्ट इज द अफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, सेकंड इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर्सन एंड द पीपल अराउंड हिम, बिल्कुल, एंड थर्ड वन इज द हाई कॉस्ट बिकॉज ऑफ रिपेयर्स. एग्जैक्टली. एंड नाउ टेल आवर व्यूअर्स व्हाट इज द हिल्टी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. श्योर आकाश, आई वुड लव टू डू दैट. सो वी एट हिल्टी, वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, हमने ये प्रॉब्लम भी आपकी समझी, एंड वी ऑलवेज कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशन विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. सो नाउ टुडे अगेन वी आर बैक टू शो यू वन सच इनोवेटिव प्रोडक्ट, एंड वी विल बी कवरिंग कंप्लीटली डस्टलेस ग्राइंडिंग. सो शुरू करते हैं. लेट मी स्टार्ट विद दिस ग्राइंडर, DGH-130 कॉन्क्रीट ग्राइंडर. जी हाँ, मैंने कहा कॉन्क्रीट ग्राइंडर, इट्स नॉट अ नॉर्मल एंगल ग्राइंडर. सो डिफरेंस क्या है? सो एक कॉन्क्रीट ग्राइंडर और एक एंगल ग्राइंडर में ये डिफरेंस होता है कि कॉन्क्रीट ग्राइंडर इज डिजाइन टू हैंडल डस्ट. सो मैं आपको इसके 3 मेन फीचर बताता हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये डस्ट कैसे बेटर हैंडल कर सकता है. द फर्स्ट फीचर इज इसका RPM. सो जो इसका RPM है वो इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है कि जब कोई भी ऑपरेटर इसे ऑपरेट कर रहा होगा तो उसकी जो कॉन्क्रीट रिमूविंग एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा आएगी. द सेकेंड फीचर इज इट्स अर्गोनॉमी. अर्गोनॉमी मतलब इसका डिजाइन. सो आप अगर देख रहे होंगे यहां पे कोई साइड हैंडल नहीं है जैसे एक एंगल ग्राइंडर में होता है, यहां पे एक ग्रिप है. सो व्हाट हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ नॉर्मल एंगल ग्राइंडर? इस ग्रिप की वजह से वाइब्रेशन बहुत कम होता है, कोई भी ऑपरेटर बहुत कम थकता है, वो ज्यादा देर तक काम कर सकता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी ड्रॉ कर सकता है, और वाइब्रेशन कम होने की वजह से वो थकता भी कम है. ऑलराइट, नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आप देख रहे होंगे ये डस्ट हुड. सो दिस टूल कम्स विद अ डस्ट हुड प्री अटैच्ड. तो इस टूल के साथ में डस्ट हुड पहले से आता है. व्हाट हैपेंस इज कि जब डस्ट प्रोड्यूस होती है तो जो डस्ट इस टूल के अंदर जाती है वो इस डस्ट हुड की वजह से बहुत कम हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 फीचर्स, इसका लाइफ एज अपोज टू एनी एंगल ग्राइंडर इज समवेयर बिटवीन 3 times to 10 times. और अगर इसकी प्रोडक्टिविटी एज इन स्पीड ऑफ कॉन्क्रीट रिमूवल की अगर बात करें तो समवेयर बिटवीन 3 times to 5 times होती है एज अपोज टू एनी कन्वेंशनल एंगल ग्राइंडर. सो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट DGH-130, लेट्स डिस्कस अबाउट द वैक्यूम क्लीनर. सो ये हमारा VC-20 यूनिवर्सल वैक्यूम क्लीनर है. ये सेम वैक्यूम क्लीनर ड्रिलिंग के लिए यूज किया था. ये सेम वैक्यूम क्लीनर आप डस्टलेस ब्रेकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आज हम ये सेम वैक्यूम क्लीनर डस्टलेस ग्राइंडिंग के लिए भी यूज करेंगे. चलिए देखते हैं. सो गाइज, इट्स टाइम फॉर एक्शन नाउ. आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा जब मैं कॉन्क्रीट ग्राइंडिंग कर रहा था तो वहां पर कितनी ज्यादा डस्ट हो गई थी. एंड नाउ हर्ष विल बी ऑल्सो डूइंग कॉन्क्रीट ग्राइंडिंग. सो वॉट डू यू थिंक, इस बार डस्ट थोड़ी ज्यादा आएगी, कम आएगी, उतनी आएगी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. व्हाट डू यू थिंक? ऑल्सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी सजेशन ड्यूरिंग द लाइव, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आई विल बी आंसरिंग देम डायरेक्टली ड्यूरिंग द लाइव राइट नाउ. एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. ओवर टू यू हर्ष. थैंक यू आकाश. सो
मैं ग्राइंडिंग के लिए वो सेम कंक्रीट ग्राइंडर यूज करूंगा, DGH 130, जो आकाश ने पहले यूज किया था। और पहले इसको यूज करते हैं विदाउट वैक्यूम क्लीनर और देखते हैं इसमें कितनी डस्ट आती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपने देखा, मैंने ये जैसे ही कंक्रीट ग्राइंडर वॉल के ऊपर रखा, जैसे ही कपिल कंक्रीट से टच हुआ, विद इन सेकेंड्स यहां एक डस्ट का क्लाउड सा बन गया। सो नाउ लेट्स डू द सेम डेमो, सेम टूल, सेम कॉन्फिगरेशन के साथ विद अ वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर को कनेक्ट करने के लिए वी जस्ट हैव टू अटैच दिस पाइप। इट्स वेरी सिंपल, हम ये पाइप अटैच करेंगे और वी आर रेडी टू गो। आपने अभी अभी देखा, मैंने सेम कंक्रीट ग्राइंडर से कंक्रीट ग्राइंडिंग की, बट वो वर्चुअली डस्टलेस थी। सो गाइस, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि यस, डस्टलेस ग्राइंडिंग इज द फ्यूचर। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग डेमो हर्ष। आई कैन सी देयर वाज एब्सोल्युटली नो डस्ट दैट वाज कमिंग आउट व्हेन यू वर डूइंग द कंक्रीट ग्राइंडिंग। एंड गाइस, लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक द डेमो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आई नो ऑल ऑफ यू विल एग्री टू हर्ष दैट दिस इज द फ्यूचर। And to make it possible, what you have to do is, जब आप अगली बार concrete grinding करते हैं अपनी job site पे, आपको ensure करना है कि आप dustless concrete grinding करें, जिससे environment में बिल्कुल भी dust ना हो। और अगर जो आपको कोई problem आती है, and if you need any support, do let us know in the comment section below, because we will love to come at your job site and do a demo anywhere in India you want. So let us know in the comment section below. Also, what you have done is, we have posted a link in the description of the video below, from where you can download the catalog of all the solution that we discussed today, that is DGH 130 with vacuum cleaner VC20. So do not forget to click on that. And let me quickly summarize what we discussed today. We discussed that what are the challenges when it comes to concrete grinding on a construction job site. That is, first of all, effect on your health. Second is the productivity of the person. And third one is the higher cost because of repairs. And then we saw what is the Hilti's way of doing it? By going dustless concrete grinding, which ensures a better health. Secondly, more productivity. Jo kaam aap abhi 10 din mein kar rahe hain, wo aap 2 se 3 din mein kar payenge. And finally, less repairs, so low cost and saving money. And that's it from our side in today's episode. I hope you enjoyed the live episode with my colleague Harshvardhan. It was an amazing experience to interact with you all. Next episode, we will be coming up with another Hilti innovation. So stay tuned, stay safe. Till then, take care of yourself and see you all in the next episode. Thank you.